वो तुम्हारे पास आए नहीं है काव्या, उन्हें आना पड़ा। बापूजी ने अगर उन्हें घर से नहीं निकाला होता तो अब भी वो यही इसी घर में रह रहे होते। How was the day? बापूजी ने घर से निकाल के फेंक दिया, तुमने उठा लिया। Worst day of my life. आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। आज तुम्हारी वजह से मेरी पाखी इतनी खुश हुई है और तुम्हारी वजह से मैंने उस अनुपमा को उसकी औकात दिखा दी। थैंक यू। तुमने सिर्फ ताने दिए अनुपमा, मैंने तुम्हें दर्द दिया है। तुम खुश हो? हद से ज्यादा। तो मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ। नाउ आई नो कि मेरी पाखी जब यहाँ रहने आएगी तो वो कितनी खुश होगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कल तुम भी लॉयर से बात कर लो ना। किस बारे में? डिवोर्स के बारे में भी। अनिरुद्ध और मेरे डिवोर्स के साथ तुम्हारा और अनुपमा का डिवोर्स होगा, तब जाके तुम शादी कर पाएंगे। अब मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। महीना शुरू होते दूध का बिल, अखबार का बिल, सब लोग पैसे मांगने आ जाते। माँ, उनको भी तो अपने घर चलाने होते हैं ना। अरे पर उनका घर चलाते चलाते हमारा घर रुक जाएगा। वो हनुमान जी एक बार लंका जा रहे थे, रास्ते में उसको वो सुरसा राक्षसी ने मिली। वो सुरसा उसका मुंह से बढ़ते जा रहा था। घर के खर्चे भी ना वो सुरसा के मुंह जैसे है। जब तक वनराज था तब तक वो सुरसा का मुंह भर देता था, पर अब हाय हाय, ये किराना के बिल इतना सारा कैसे हो गया? पा, इस बार वो स्वीटी के बर्थडे पार्टी का सामान भी तो आया था ना। बिजली का बिल, फोन का बिल, पानी का बिल। हे भगवान, कोई बात नहीं पा, घर तो कम पैसों में भी चल जाता है ना। हम सब अपने खर्चे कम कर देंगे, जितनी चादर उतनी पैर फैलाएंगे। वही तो मुसीबत है, एक बार पांव फैलाने की आदत पड़ जाती है फिर छोटी चादर में सोना मुश्किल हो जाता है। खर्चे कम किए जा सकते, जरूरतें नहीं। ये एसी, मोबाइल, अच्छे कपड़े, ये सब आज के जमाने में खर्चे नहीं, जरूरतें हैं। अब जिसने सुविधा देखी ही नहीं वो तो एसी के बिना सो लेता है, मोबाइल के बिना भी रह लेता है, रूखी सूखी रोटी भी खा लेता है। पर जिसने वो घी चोपड़ी हुई रोटी खाई होती है ना, उसे वो रूखी सूखी रोटी पसंद नहीं आती है। और हमारे घर को भी ना यही आदत लग गई है। जरूरतें कम नहीं हो सकती, बस कमाई बढ़ सकती है, पर कैसे? स्वीटी की सहेलियां नहीं आई तो इतना सारा खाना बच गया है। हम लोग तो यही खाना गरम करके खा लेंगे। बस बा, बापूजी और मामा जी के लिए ताजा खाना बना देती हूँ। इसमें से खाना बच जाए ना तो मंदिर में दे देना तू। भाभी, वो नंदिनी बहन है ना, उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया है। हाँ, और वो पंकज भाई नहीं है, उनके वहाँ पे वो नए किराएदार आए, उन्होंने भी बोला है कि तू मेरे यहाँ काम करने आना। अरे वाह, तो अभी आप मेरे पगार की टेंशन मत लेना। और वैसे भी दिसंबर तक की पगार तो आप मुझे दे ही चुके हैं, आगे की पगार मैं तब लूंगी जब आपके पास होगी। हाँ, मुझे पैसे की कहाँ वैसे भी जरूरत है, मेरा खर्चा चल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ओ मड़ी रे, कपड़े धोने में धो के आती हूँ भाभी। वरुण के अंकल से बात हो गई है भाई, तो ये मंथ में कॉल सेंटर में जॉब लग जाएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर्स में लेक्चर्स या फिर प्राइवेट ट्यूशन्स लेना शुरू कर दूँ। पढ़ाई है तो फिर फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता, मगर इतना नालायक नहीं हूँ कि कुछ ना करूँ। भाई, आप पैसों की टेंशन मत लो,
मैं जॉब कर रहा हूँ ना, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। मैं पढ़ा हूँ ना, तो जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। तू ये कॉल सेंटर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और अपने डांस करियर के बारे में सोच। डांस वेट कर सकता है भाई, लेकिन फैमिली वेट नहीं कर सकती। और वैसे भी ऑनलाइन डांस क्लासेस की कमाई से महीने का खर्चा नहीं निकलेगा, तो जॉब तो करनी पड़ेगी भाई। दीदी मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, वैसे भी मैं कोई काम वाम तो करता नहीं, यहाँ रह के आपका खर्चा ही बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहता। चुप कर पहलू। एक काम कर बेटा, ये जो है ना एक कैल्शियम की और विटामिन की, ये रहने दे, ये दो जो हार्ट के है ना वो रखता हूँ। पर इस उम्र में कैल्शियम और विटामिन की जरूरत होती है दादाजी। अरे ये सब ये दुकानदारों के और ये गोलियां बनाने वालों का नाटक होता है। तू मुझे एक बात बता, पुराने जमाने में लोग सब ये खाते थे क्या? नहीं ना, फिर भी 100-100 साल जीते थे ना। तो आज से एक काम कर, ये सिर्फ ले जा, ये हार्ट की दिल की दे दे, समझा? जा। मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे बिना ये घर कैसे चलाती हो। ये कुछ पैसे हैं घर खर्च के लिए। बाँ, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। अनुपमा सही कह रही है, हमारा खर्चा हम खुद देख लेंगे। जरूरत कैसे नहीं है बा, आज तक मैं ही करता आया हूं ना। अब मैं करूंगी, अब कुछ भी हो जाए घर परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। और मेरे डांस क्लास के पैसों से ये घर नहीं, इस उम्र में बाप बापूजी को अपनी इच्छाओं को मारना पड़े, दवाई तक कम लेनी पड़े। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पैसों की दिक्कत हो रही तो वी, वी, पाखी ने मुझे सोशल मीडिया से अनब्लॉक कर दिया है और मुझे फॉलो भी कर रही है। आई एम श्योर धीरे धीरे उसका सारा गुस्सा उतर जाएगा। वाओ, दैट्स नाइस। हाँ। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो अभी? एक जरूरी काम है। लेकिन अभी तो कोई मीटिंग भी नहीं है। एक और काम है, बस मैं गया और आया। और हाँ, डोंट वरी, मैं घर नहीं जा रहा, तो मेरे पीछे जासूसी करने मत आना। कहीं अनुपमा ने किसी काम से फोन तो नहीं किया या बच्चों से करवाया? इतना खुश तो वी तभी लगता है जब उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है। I'm sure वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। स्वीटी, तूने काव्य को फिर ऐड कर लिया, उसकी पिक्चर्स भी लाइक कर रही है तू। वो उन्होंने मेरे बर्थडे पे इतना कुछ किया तो तेरे लिए जो किया तुझे दिख रहा है, और मम्मी के साथ किया वो भूल गई तू? विंटर प्लीज, मम्मी ने ही कहा है कि बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। आज का ये मतलब नहीं तू काव्य से फिर से दोस्ती कर ले, उसने मम्मी के साथ जो किया वो बहुत गलत है। आई नो गलत है, पर शायद पापा ने भी गलत किया, फिर भी मैं उनसे मिलती हूँ ना। अब पापा से मिलती हूँ तो काव्या को कैसे इग्नोर करूँ? स्वीटी, मैं तुझे इग्नोर या फिर बदतमीजी करने नहीं कह रहा हूँ, तुझे बस दूर रहने कह रहा हूँ। इस एज में हम लोग बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं, इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, सो बी केयरफुल, दैट्स इट। ना मैं इतनी छोटी हूँ कि मुझे तुझसे कुछ सीखना पड़े, ना तू इतना बड़ा है कि मुझे कुछ सिखा सके। ज्ञान देने के लिए ना ऑलरेडी घर में बहुत लोग हैं, सो प्लीज स्पेयर मी। अब मैं पापा से मिलने जाऊंगी, उनके साथ रहूंगी, तो ऑब्वियसली मुझे काव्या के साथ भी डील करना पड़ेगा ना। अगर इससे किसी को प्रॉब्लम है या किसी को बुरा लग रहा है तो आई डोंट केयर।
ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, मैंने ना दो चार लोगों से बात करके रखी है, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। वो परेशान थी, समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो मैंने तुझे फोन कर लिया। बहुत अच्छा किया। तुझे जब भी मेरी जरूरत हो या कोई भी काम हो मुझे फोन कर लेना। बाकी लैंग्वेज में बोलूं तो तेरी वो टैटू वाली फ्रेंड है ना, उसको कॉल करना। देविका, माँ का मजाक नहीं। ओके सॉरी बाबा। सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया देविका। दोस्तों के पापा के जाने के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होगी, पर गिरते हुए संभलने का समय नहीं मिलेगा ये पता नहीं था ने। गिरते वक्त ना संभलने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है, संभलना पड़ता है, और उठ के ना यूं दौड़ना पड़ता है। आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है और ये रहे आपके डील के पेपर्स। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। मैंने और काव्या ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, एंड काव्या को मैं सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। अनु, आई अंडरस्टैंड कि तुझे इस वक्त जॉब की कितनी जरूरत है, लेकिन देख मैं तुझे झूठी उम्मीद नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं करूंगी, पर अगर झूठे पता है, जब उम्र ज्यादा हो और पढ़ाई कम तो नौकरी नहीं मिलती। और देविका, छोटी से छोटी क्यों ना हो, मुझे नौकरी चाहिए, कैसे भी चलेगी। मेरी और समर की डांस क्लास और बापूजी के पैसों से अब घर पहले के जैसे नहीं चल पाएगा, तो आई नो। देखा ना, अगर इमीजिएट इशू है ना, तो तू एक काम कर ले, तू ये मेरा कार्ड रख, तुझे जब भी नौकरी मिल जाएगी लौटा देना। इसकी जरूरत नहीं है देविका, जरूरत होती तो हक से मांग लेती। ताना जी की कृपा से घर की गाड़ी अच्छे से चल रही है, थोड़ी परेशानी है पर हम सब संभाल लेंगे। और आगे जरूरत पड़ी तो तू है ना, तुझसे ये मांग लूंगी। अभी फिलहाल के लिए नौकरी दिलवा दे। अनु एक बात बता, तेरी फैमिली में जो फाइनेंशियल क्रंच आया है उसकी वजह से तू अपने आप को ब्लेम तो नहीं कर रही ना, कि वरराज के घर छोड़ने की वजह से तेरी फैमिली को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो तेरी वजह से। आई होप नो अनु, प्लीज। सच तो है ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जानती हूँ मेरी गलती नहीं थी, पर जिंदगी में सब गलती की सजा नहीं देती, कभी कभी खुदारी की भी सजा देती है। अपनी खुदारी की कीमत मुझे चुकानी पड़े तो बुरा नहीं लगता, पर वो कीमत अगर मेरा पूरा परिवार चुकाए तो। बात पैसों की नहीं है देविका, रिश्तों की। माँ बाप से बेटा और बच्चों से पिता दूर हुआ, अपने आप को चाहे जितना समझा बुरा तो लगता है ना। पच्चीस साल हाथ पकड़ के चली हो, अब हाथ छूट गया है तो रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, बस अंधाधुन चली जा रही हो। जो चलता है ना उसी को रास्ता मिलता है, और तू देख तुझे रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी। यहाँ तो रास्ता मंजिल दूर, एक छोटी सी रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही। नौकरी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। दीदी मेरे एक्स हस्बैंड की बड़ी बहन है, मेरी इनसे बातचीत होती रहती है। इनफैक्ट तेरी नौकरी के लिए ना मैंने इन्हीं से बात की है। इनसे? हाँ, क्यों?
तू जानती इन्हें? डोंट टेल मी तू इनके यहाँ टीचर की नौकरी कर रही थी, राइट? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस. मैं इनसे तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी मुझे कि ये तेरी एज या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुझे जज नहीं करेंगे और तुझे नौकरी दे देंगे, पर अब ओह माय गॉड. Yes, यही सरप्राइज लेने गया था मैं. Wow, we. I wish कि एक दिन ऐसे ही तुम अपने और अनुपमा के डिवोर्स पेपर्स मेरे सामने रख दो. I'll be super happy. खाना खाने चलें, बहुत भूख लगी है. अच्छा, by the way, मैंने अनिरुद्ध को बता दिया है कि हम दोनों साथ रह रहे हैं, okay? और मैं अपने डिवोर्स के लिए भी जल्दी कर रही हूँ, तो प्लीज तुम भी जल्दी करो. हाँ यार, श्योर. और तुमने अनिरुद्ध को ये बात बता दी है, अच्छा किया, वेरी नाइस. सॉरी बेबी, वो एक्चुअली मॉम घर पर है, इसलिए मुझे चुप चुप के आना पड़ेगा. हाँ मैं बस आ ही रही. हाँ. किंजल, तुम कहीं जा रही हो? नहीं मॉम, एक्चुअली मेरी कुछ किताबें नहीं मिल रही थी तो मैं गाड़ी में चेक करने आई थी. ओह, तुम्हारी कुछ बुक्स टीवी रूम में मिली हैं, शम्मू ने कहीं रख दी होगी, तुम मुझसे पूछ लो. कम ऑन इन, लेट्स हैव सम कॉफी. मॉम, श्रेया का मैसेज आया है, सी, वो मुझसे मिलना चाहती है, मैं मिलाऊं? श्रेया से मिलने के लिए मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी? हाँ, बट आई नो ये श्रेया नहीं पारितोष है. श्रेया इंग्लिश में बात करती है, इंग्लिश में मैसेज करती है, और हिंदी में मैसेज करने वाला तुम्हारे पास बस एक ही है. इसे डोंट ट्राई टू फूल योर मदर, ओके बेबी? मैं अपनी बेटी को रोक तो सकती हूँ, लेकिन दुखी नहीं देख सकती. कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो. करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं अब तो कुछ करना ही पड़ेगा. प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को. Hey, go, 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 go. लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी. आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर.